नमस्ते जी, फिर हाजिर है एक मजेदार रेसिपी लेकर। हैप्पी सॉल्ट। अगर आपको बिरयानी और मशरूम्स पसंद हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आइए देखते हैं लहसुन वाली मशरूम दम बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी की ये क्वांटिटी 4 से 5 लोगों के लिए काफी है। वेज बिरयानी के मुकाबले इस बिरयानी में पड़ने वाली चीजें और इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1 किलो बटन मशरूम्स लेंगे और इन्हें अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। मशरूम्स को साफ़ करने के लिए उन्हें नल के नीचे थोड़ा सा रगड़ कर धो लें। मशरूम्स थोड़े थोड़े कर धोएं ताकि ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएं। धुले हुए मशरूम्स को हवा में थोड़ा सा सुखा लें और फिर कपड़े से पोंछ लें। डंठल के सिरे हल्के से काट कर मशरूम साफ़ कर लें। इसी तरह सारे मशरूम्स धोकर और साफ़ करके तैयार कर लें। बिरयानी के लिए बिल्कुल फ्रेश ऐसे मशरूम्स लें जो ऊपर की तरफ से बंद हों। ये बिल्कुल भी ढीले या दाग वाले नहीं होने चाहिए। मशरूम्स के डंठल काटकर अलग निकाल कर रख लेंगे। छोटे मशरूम्स को साबुत ही रहने दें। डंठल को छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर मशरूम थोड़ा सा बड़ा हो तो उसके 2 टुकड़े कर लें। ज़्यादा बड़े मशरूम्स के आप 3 टुकड़े भी कर सकते हैं। मशरूम्स के टुकड़े बहुत छोटे ना करें, नहीं तो ये बिरयानी में घुल जाएंगे। सारे मशरूम्स को इसी तरह डंठल अलग करके और काट के तैयार कर लेंगे। डंठलों को मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है, जबकि मशरूम्स या तो साबुत रखे हैं या फिर बहुत बड़े टुकड़ों में काटे हैं। 1.5 कप सोया की वड़ियाँ लेंगे और इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख देंगे। जब तक वड़ियाँ फूलती हैं आगे की तैयारी करते हैं। 250 ग्राम या 1 बड़ी गट्ठी मेथी की लेंगे। मेथी के पत्ते अलग करके इन्हें साफ करके धो के मैंने थोड़ा सा सुखा लिया है। मेथी को जितना हो सके बारीक काट लेंगे। मेथी को काटने के लिए चॉपर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी। सारी मेथी बारीक काटकर अलग रख लेंगे। लगभग 1/2 कप पतले पतले स्लाइसेस में कटा हुआ लहसुन लेंगे। लहसुन के स्लाइसेस बहुत ज़्यादा बारीक या पतले नहीं होने चाहिए। लहसुन की थोड़ी सी मोटी कलियाँ लेकर इन्हें चाकू से ही पतला पतला काट लें। स्लाइस किए हुए लहसुन को अलग रख लेंगे। 15 से 20 कलियां लहसुन की, स्वाद के हिसाब से या 3-4 हरी मिर्चें और 2 इंच पीस अदरक का लेकर पीस कर या बहुत बारीक काट कर अलग रख लेंगे। सोया वड़ियों को भिगोए 20 मिनट हो चुके हैं, ये फूल चुकी हैं। इन्हें अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर धो लेंगे। इनमें से जितना हो सके पानी निचोड़ देंगे। अब इन वड़ियों में साफ पानी डालकर फिर से एक बार इन्हें रगड़ कर धो लेंगे और निचोड़ कर अलग रख लेंगे। एक बड़ा सा खुले मुंह वाला पैन लेकर इसे अच्छी तरह गर्म करेंगे और इसमें मशरूम्स डाल देंगे। मशरूम्स थोड़े थोड़े करके डालें। बहुत ज़्यादा मशरूम्स एक साथ डालने से ये बहुत पानी छोड़ेंगे। कोशिश करें कि पैन में इतने ही मशरूम्स हों कि सारे मशरूम्स पैन के तले से लगे हों। ऊंची आंच पर बीच बीच में चलाते हुए मशरूम्स को तब तक पकाना है जब तक इनका पानी सूख ना जाए। मशरूम्स जैसे जैसे पकेंगे ये सिकुड़ते जाएंगे और ब्राउन होते जाएंगे। मशरूम्स पानी छोड़ने लगे हैं, इन्हें तब तक पकाना है जब तक ये पानी सूख ना जाए। आंच हल्की ना करें और मशरूम्स को बीच बीच में चलाते रहें। मशरूम्स का सारा पानी सूख चुका है, अब इन्हें पैन से निकाल लेंगे। बाकी मशरूम्स को भी इसी तरह ऊंची आंच पर पकाकर उनका सारा पानी सुखा लेंगे। इस तरह पकाकर मशरूम्स का पानी सुखाना ज़रूरी है, नहीं तो बिरयानी में चावलों के साथ पकते वक्त ये पानी छोड़ेंगे और चावल बहुत ज़्यादा ढीले हो जाएंगे। सारे मशरूम्स इस तरह पकाकर तैयार कर लेंगे। आगे की प्रोसेस शुरू करने से पहले चावल धोकर भिगो देंगे और चावल उबालने के लिए पानी चढ़ा देंगे ताकि जब तक बिरयानी की सब्जियां तैयार हों, भीगे हुए चावल और उन्हें उबालने के लिए पानी भी तैयार हो। 2 कप बासमती चावल या फिर बिरयानी का चावल ले लेंगे। वजन में ये 400 ग्राम है। चावलों को 3-4 पानी धो लेंगे।
धोते हुए चावलों को रगड़े ना, नहीं तो इसके दाने टूट जाएंगे। धुले हुए चावलों को लगभग आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। एक बड़े पतीले में 4 से 5 लीटर पानी लेंगे। इसमें 1 तेज पत्ता, 4 से 5 लौंग, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच शाही जीरा और 4 छोटे चम्मच तेल या घी डाल देंगे। पतीले को ढककर इसे उबलने के लिए रख देंगे। लगभग 20 मिनट में पानी खौलने लगेगा। अब एक खुले पैन में 4 से 5 बड़े चम्मच तेल लेंगे। मैंने वही पैन लिया है जिसमें मशरूम्स पकाए थे। तेल को बहुत हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें कटा हुआ लहसुन डालकर फ्राई कर लेंगे। लहसुन को हल्की आंच पर सुनहरा होने तक तलना है। इस बात का ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गर्म ना हो, आंच ना बढ़ाएं, नहीं तो लहसुन बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और करारा नहीं होगा। इसे बार बार चलाते रहें ताकि लहसुन जले ना और लहसुन के सारे टुकड़े बराबर से फ्राई हों और बराबर सुनहरे हों। हल्की आंच पर लगभग 8 मिनट फ्राई होने के बाद लहसुन सुनहरा हो चुका है। गैस तुरंत बंद कर देंगे ताकि लहसुन जले ना और इसे तेल से निकाल लेंगे। तला हुआ लहसुन अलग रख लेंगे। बचे हुए तेल को धीमी आंच पर गर्म करेंगे और इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच शाह जीरा, 2 से 3 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज पत्ता, 6 से 8 लौंग, 1 चक्रफूल या स्टार अनीस और 1 मोटी इलायची डालेंगे। मोटी इलायची को हल्का सा तोड़कर डालें ताकि इसका फ्लेवर तेल में आ जाए। 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के डालेंगे और सभी मसालों को हल्की आंच पर 15-20 सेकंड्स तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज लंबे लंबे काट कर डाल देंगे। ऊंची आंच पर प्याज हल्के गुलाबी होने तक पका लेंगे। इन्हें बार बार चलाते रहेंगे। प्याज हल्के गुलाबी हो चुके हैं, आंच कम करके लो से मीडियम कर देंगे। अब इसमें पिसे हुए अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल देंगे। लगातार चलाते हुए इसे लगभग 30 सेकंड्स तक पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च से रंग अच्छा आएगा पर बिरयानी तीखी नहीं होगी। आप चाहें तो तीखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। सभी मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें भीगी हुई सोया वड़ियां डाल देंगे और अच्छी तरह मिला लेंगे। सोया वड़ियों को करीब 1 मिनट तक मीडियम आंच पर पका लेंगे। अब इसमें कटी हुई मेथी डाल देंगे। मेथी को अच्छी तरह मिक्स करते हुए लगभग 30 सेकंड्स तक पका लेंगे। मेथी को बहुत ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो ये बिल्कुल ढह जाएगी और इसका फ्लेवर चला जाएगा। गैस तुरंत बंद कर देंगे। लगभग 20 मिनट बाद जो पानी हमने चढ़ाया था वो उबलने लगा है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे। चावलों में आम तौर पर आप जितना नमक डालते हैं उससे लगभग डबल नमक डालें ताकि चावल उबालने के बाद जब हम ये पानी फेंक दें तब भी चावलों में नमक कम ना हो। भिगोए हुए चावलों का सारा पानी निकाल देंगे और ये चावल इस उबलते पानी में डाल देंगे। चावलों को एक बार अच्छी तरह चला देंगे और इन्हें ऊंची आंच पर 2.5 से 3 मिनट तक पका लेंगे। चावलों को बस इतना उबालना है कि ये लगभग पौने पक जाएं। अगर ये ज़्यादा पक जाएंगे तो बिरयानी में बिल्कुल ढह जाएंगे। 2.5 मिनट हो चुके हैं, एक बार चावल चेक कर लेंगे। चावल का दाना अभी भी कड़क है पर मैं इसे अपने उंगलियों से तोड़ पा रही हूँ। चावल बिरयानी के लिए तैयार हैं। गैस बंद करके तुरंत चावल छान लेंगे। चावलों को हल्का सा फैला देंगे ताकि इनसे सारी भाप निकल जाए और ये नरम ना हो जाएं। बिरयानी पकाने के लिए खुला भारी तले का बर्तन लेंगे। दम पर बिरयानी को पकने में काफी ज्यादा समय लगता है। अगर बर्तन का तला हल्का होगा तो बिरयानी जल जाएगी। इसमें पके हुए मशरूम्स डालेंगे, साथ ही जो मेथी और सोया का मसाला हमने बनाया था वो डाल देंगे। अब इसमें मशरूम के कटे हुए डंठल और स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 3/4 कप गाढ़ा दही। दही के साथ साथ 3/4 कप दही का पानी या छाछ डाल देंगे। हमने बिरयानी में सोयावड़ी का इस्तेमाल किया है
जो बहुत ज़्यादा पानी सोखती है। अगर दही का पानी या छाछ नहीं डालेंगे तो बिरयानी सूखी बनेगी। हल्की से मीडियम आंच पर गैस ऑन कर देंगे और सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारी सब्जियों पर दही अच्छी तरह लग जानी चाहिए। सभी चीज़ों को हल्का सा दबाकर इसकी लेयर लगा देंगे। इसे लगभग 5 मिनट तक लो से मीडियम आंच पर पकने देंगे और हम तब तक तड़का बना लेंगे। लगभग 2 बड़े चम्मच घी हल्का गर्म करेंगे। अगर घी ज़्यादा गर्म होगा तो तड़का जल जाएगा। इसमें 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तड़के को बस इतना पकाना है कि इसमें हल्की सी झाग उठने लगे। झाग उठने पर गैस तुरंत बंद कर देंगे और तड़का अलग रख लेंगे। सब्जियों को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। पतीले से हल्के से बुलबुले और भाप उठने लगी है। अब इसमें उबले हुए चावल डाल देंगे। चावलों को फैलाकर इनकी बराबर लेयर बना देंगे। अब इस पर तला हुआ लहसुन फैला देंगे। बिरयानी में आमतौर पर तला हुआ प्याज डाला जाता है, पर तले हुए लहसुन से एक अलग ही स्वाद आएगा। अब इसके ऊपर जो तड़का हमने बनाया था वो फैलाकर डाल देंगे। इससे बिरयानी में अच्छा रंग आएगा और घी की वजह से चावल सूखेंगे नहीं। पतीले के मुंह को गीले किए हुए किचन टॉवल से ढक देंगे। मैं 2 किचन टॉवल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका टॉवल मोटा हो तो एक ही यूज करें। अब इस पर ढक्कन लगाकर साइडों से कपड़ा खींच देंगे ताकि ये बीच से लटके ना। पतीले के ऊपर वजन रखने के लिए इस पर पानी से भरा हुआ बोल रख देंगे। पतीले के मुंह पर गीला कपड़ा डालने और इस तरह ढक्कन पर वजन रखने की वजह से पतीले से भाप नहीं निकलेगी और बिरयानी दम पर पकेगी। मैंने इसमें लगभग 4 लीटर पानी डाला है। किचन टॉवल के किनारे मोड़कर ऊपर कर देंगे, नहीं तो ये जल सकते हैं। बिरयानी को इसी तरह लो या मीडियम आंच पर लगभग 15 मिनट तक पकने देंगे। अगर आपका बर्नर छोटा हो तो आंच मीडियम रखें, अगर बर्नर बड़ा हो तो आंच लो रखें। 15 मिनट बाद गैस बंद कर देंगे। अब छोटे बर्नर पर तवा रखकर ऊंची आंच पर इसे करीब 1 मिनट तक गर्म करेंगे। तवा गर्म हो जाने पर इस पर बिरयानी का पतीला चढ़ा देंगे और गैस हल्की कर देंगे। हल्की आंच पर 15 मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद 8 से 10 मिनट तक बिरयानी को इसी तरह रहने देंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, अब पतीला खोलेंगे। ढक्कन बहुत ध्यान से खोलें, नहीं तो भाप से हाथ जल सकता है। लहसुन और मेथी वाली मशरूम दम बिरयानी बिल्कुल तैयार है। बिरयानी से तले हुए लहसुन और मेथी की लाजवाब खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि चावल कितने खिले खिले बने हैं। सब्जियां बहुत अच्छी तरह से पकी हैं, पर ज़्यादा गली नहीं हैं। बिरयानी बिल्कुल भी सूखी नहीं है, इसमें काफ़ी चिकनापन और नमी है। आप इसे बिना सालन या रायते के ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।